इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, उतना डेंजरस भी व्यू है। इतना ओपन बीच खाली बीच होना बहुत ही मुश्किल है। इस चीज के लिए हमने इतना टाइम से मेहनत किया, बोल चुके हैं। उरन बीच पे पानी बहुत अंदर गांव तक जाने लग गया। 18 सेंचुरी में तो उरवन था, तो ब्रिटिश जब इंडिया में राज कर रहे थे तब उन्होंने एग्रीकल्चर एंड फिशिंग के लिए जाना जाता है। इट वाज द बेस्ट प्लेस मैं बोलना चाहता हूँ। यार इसने कपड़ा पहना है कुछ पक्का। एक जैसे रत्नेश्वरी माता मंदिर है यहाँ पर, हेलीपैड है, तो आज हेलीकॉप्टर भी देख के जाएंगे। सुंदर देवी माता अंदर बनाई है, मूर्ति बनाई है। यहाँ पर एक दरगाह है, नाम वहीं पे जाके मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। थोड़ा ऑफ रोडिंग करके मैं यहाँ थोड़ा पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही वाइब आ रही है। बहुत सारे दोस्त हमारे पीछा कर रहे हैं सबसे, तो मैं चलता हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर। काफी डेंजरस है थोड़ा यहाँ पर। फाइनली मुझे मिल चुका है दोस्तों एक अच्छा सा पॉइंट। पानी भरते जा रहा है अब। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है उमेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस संडे है और आपको पता है संडे जैसे हमारा व्लॉग डे होता है, तो जा रहा हूँ एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। अनदेखी अनसीन जगह जहाँ पर हम ज़्यादा करके जाते नहीं है। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ गाइस कि दोस्तों हमारा जो चैनल है यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आज जाएंगे हम नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो राइट नाउ आप देख सकते हो मैं हूँ नई मुंबई में ठाणे वाले पर रोड पे हूँ। तो रोड देखकर आपको तो बाई डिफॉल्ट अंदाजा लग जाएगा क्योंकि हम जाएंगे कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो टाइटल सामने लेके आपको पता चली जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप देख रहे आपके भाई का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रैवल अबाउट उमेश। आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि आज अपने फ्रेंड्स कोई नहीं है, तो आज हम सोलो राइड करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले चलते हैं बाइक में पेट्रोल डाल लेते हैं। बाइक में पेट्रोल डाल के चलते हैं आज का हम लोकेशन एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे अभी ट्रैफिक पुलिस पकड़ने वाला था एक्चुअली। मैं निकल लिया, मैंने साइड से निकल लिया। हरामी हो बेटा, स्नैप बिना लगाए मैं जा रहा था, तो एक्चुअली मैं अभी तो हेलमेट पहना ही था, तो अभी मुझे बाई डिफॉल्ट हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ से हमें राइट में जाना है, जो अंदर से होगा जो लगभग 45 किलोमीटर तो होगा। दोस्तों जिस चीज़ के लिए हमने इतना टाइम से मेहनत किया हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन में। देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नागांव समुद्र किनारा। ये जो है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये जो है उरन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड यहाँ के विलेजेस का एंड वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल बीच है। तो मैं आपको चलो बीच नज़दीक से दिखा देता हूँ। एक सौ दोस्तों मुंबई के पास में इतना ओपन बीच खाली बीच होना बहुत ही मुश्किल है। देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप एंट्री करने से पहले यहाँ पर मिलता है साईं बाबा भगवान का मंदिर है, देख सकते हो छोटा सा क्यूट सा, एंड यहाँ पर है सीधा समुंदर का गेट। तो दोस्तों जैसे कि देखा आपने, मैंने बताया था आपको, और हम पहुँच चुके हैं उरन बीच पे जो नागांव बीच कहते हैं आपको, पीरवाड़ी बीच। एंड देख सकते हो पूरे लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हो यहाँ पर पूरा समुंदर किनारा, ये पत्थरों से ऐसा बॉर्डर किया है, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं तो अभी एक्चुअली एंजॉय कर नहीं सकता, व्यू ज़रूर मैं शूट कर सकता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली जो उरन जो बीच है यहाँ पर, जो पहले देख सकते हो जो अभी स्टोन्स बड़े बड़े पत्थर रखे, पहले पत्थर इन बीच ही था, बाद में पानी बहुत अंदर गाँव तक जाने लग गया, इसलिए
यहाँ पर फिर ऐसे पत्थर सरकार ने ला के रख दिए, देख सकते हो यहाँ पे जो लाट कितने बड़े बड़े जो समुद्र के आते हैं। अगर हिस्ट्री बताना चाहूँगा मैं अगर ओरन की, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ओरन का जो पहले नाम था 18th सेंचुरी में वो तो उरवन था, तो जब पहले मराठा एम्पायर से उरवन नाम रखा गया एंड जब इंग्लिश लोग ब्रिटिश जब इंडिया में राज कर रहे थे तो उन्होंने ओरन नाम रखा था, तो जब से ओरन नाम रखा गया तब से यहाँ का ओरन नाम ही है। और बेसिकली यहाँ पर जो ये जो ओरन जो सिटी है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग के लिए जाना जाता है, जैसे यहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, देख सकते हो वहाँ पर सब बोट्स ही वहाँ पर होंगे। तो लोकल लैंग्वेज है यहाँ पर आगरी एंड कोली, जो हमारे दोस्त थे महाराष्ट्र के आगरी एंड कोली लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा इंजॉय कर रहे दोस्त मेरे, एक्चुअली दोस्त नहीं है, दोस्त होते तो मैं भी काश अभी थोड़ा इंजॉय कर लेता, कोई नहीं अभी थोड़ा काम कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम आके इंजॉय कर लूँगा। मतलब इतना यहाँ सुकून मिल रहा है, मतलब इट वाज द बेस्ट प्लेस मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप नियर मुंबई आना चाहोगे और पुणे से भी नियर पड़ेगा एंड लोनावला से भी, ये लोकेशन बीच में ही पड़ता है, अगर आप फ्रेंड्स फैमिली में या फिर अपने दोस्तों के साथ आओगे इंजॉय करना पिकनिक करना तो आ सकते हो, बेस्ट प्लेस है, देख सकते हो ओपन है एंड उतना कोई रोक टोक भी नहीं है यहाँ पर, बस अल्कोहलिक अलाउड नहीं है। तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा एक जैसे रत्नेश्वरी माता मंदिर है यहाँ पर एंड एक दरगाह है एंड लास्ट वन यहाँ पर एक हेलीपैड है, तो आज हेलीकॉप्टर भी देख के जाएंगे। तो उससे पहले लेते हैं कुछ सिनेमेटिक शॉट्स जो मजा आएगा देखने के लिए। तो वो सारे सिनेमेटिक शॉट्स ले लिए एंड थंबनेल के लिए पिक्चर भी क्लिक करवा लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे थे, तो चलते हैं रत्नेश्वरी माता मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर पे है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड, जैसे यहाँ पर अभी ONGC कंपनी जो यहाँ पर पीछे है, ये कंपनी के जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है, अभी तो नहीं है, अगले 2 घंटे में तो जब तक हमें यहाँ पर अगर मिलता है हेलीकॉप्टर अगर आता है तो उसको हम हेलीकॉप्टर भी देख लेंगे। तो ये उनका प्राइवेट प्लेस है, कंपनी का है एक्चुअली, यहाँ पर हेलीपैड एक्चुअली नो पार्किंग एरिया है, तो अभी यहाँ पर हेलीपैड हेलीकॉप्टर नहीं है, तो अभी के टाइम पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से रत्नेश्वरी माता टेम्पल जो यहाँ पर आगे है, देख सकते हो इस तरफ पर, तो वहाँ चलेंगे एंड देखते हैं बोट में थोड़ा अगर होता है राइड तो बोट में भी राइड कर लेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं मांगिन देवी टेम्पल में, जो यहाँ पर उरन की जो काफ़ी पुरानी जो देवी मंदिर होता है वो यहाँ पर है। तो मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ, अब यहाँ से देखेंगे सीधा ये रास्ता जाएगा, बीच के सामने से रोड जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री करोगे फिर ये रास्ता अंदर जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि बताया था मैंने, तो राइट नाउ अभी यहाँ पर काफ़ी रश है, तो दर्शन तो कर लिया मैंने, काफ़ी सुंदर देवी माता अंदर बनाई है, मूर्ति बनाई है एंड पूजा भी बहुत अच्छी तरह से तो चल रहा था। एक्चुअली शूट करना अलाउड नहीं है, तो मैं रूल्स ज़्यादा ब्रोक नहीं करता कहीं। ये जगह हमने एक्सप्लोर कर लिया है जो जैसे आपने देखा अभी यहाँ पर एंड इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर एक दरगाह है, तो नाम वहीं पर जाके मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा। तो दोस्तों हम बच चुके हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग करके मैं आ चुका हूँ यहाँ थोड़ा पहाड़ों के बीच में समुद्र किनारे पे अंदर, देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ भी है, पहाड़ के घर में थोड़ा व्यू थोड़ा अलग ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, तो दिखा देता हूँ आपको।
देख सकते हैं यहाँ पे इस व्यू में थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पर बोट है पर अंदर है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर तो कुछ अलग ही वाइब आ रही है, मतलब बहुत सुकून मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड बहुत ही अच्छा समुंदर किनारा देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा पत्थरों के ऊपर पूरा है एंड यहाँ पर जो लाइनअप लगा है, जो अपने फिशिंग का जो लाइनअप होता है ना, जो वो लगा है। बोट तो मुझे एक्चुअली दिख रही नहीं, एक्चुअली मुझे बैठना थोड़ा बोट में बोट मिल नहीं पा रहा है क्योंकि सारे बोट मुझे समुंदर के अंदर दिख रहे हैं। अगर आप देख सकते हो अगर दूर तक तो वहाँ पर अंदर समुंदर में, एक मिनट ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए। वहाँ पर अंदर समुंदर में बड़े बड़े बोट भी हैं वहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हमारे पीछा कर रहे हैं कब से, इनको लगता है भूख लगा है ना, मेरे पास कुछ है नहीं खाने के लिए, तो मैं इनको बेशक उनके लिए कुछ ना कुछ दे देता। एक्चुअली बॉटल है मेरे पास, उसके अलावा खाने के लिए मैं कुछ कैरी नहीं किया। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर, आपको दिखता हूँ वाइड एंगल व्यू दिखता है क्या। काफ़ी डेंजरस है थोड़ा यहाँ पर। ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं सकता मैं यहाँ से, बट यहाँ से मैं आपको व्यू ज़रूर दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ से और ऊपर जा सकता हूँ मैं। रिस्की है थोड़ा। तो फाइनली मुझे मिल चुका है दोस्तों एक अच्छा सा पॉइंट जहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छा व्यू दिखा सकता हूँ। तो लेट मी सी, देख सकते हो। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये नज़ारा, और थोड़ा थक भी गया मैं अब यहाँ पे। इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है, उतना डेंजरस भी व्यू है। तो आई थिंक अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि पूरा जो मेन हमें जो प्लेसेस है पूरा जो हमने एक्सप्लोर करने आए थे, जो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, नीचे आ चुके हो देख सकते हो। पानी भरते जा रहा है अब, बड़े बड़े ने लहर जो बड़े बड़े बहुत आ रहे देख सकते हो। समुंदर जितना ब्यूटीफुल होता है उतना डेंजरस होता है। टाइम आ गया घर पर जाने का, तो निकलते घर पे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रुका देता हूँ, यहीं पे आज का ब्लॉग ख़त्म कर दें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, मैं वेट कर रहा हूँ। एंड लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगी यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर आ गया एक्चुअली। और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर लेना, प्लान करना फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आने, काफ़ी चिल मारने के लिए अच्छी जगह है। मैं उमेश मिलता हूँ आपको ऐसे अनसीन एडवेंचर वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज उमेश सिंह, बाय टू यू गाइस फ्रॉम ट्रैवलर बॉय उमेश। जय हिंद।